हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नियोजित शिक्षक के सेवा शर्त और जो वेतन वृद्धि हुई है उससे रिलेटेड एक प्रेस नोट जारी हुआ है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे क्या होगा और किस तरह से वेतन वृद्धि हुआ है, ईपीएफ का लाभ, मतलब जो कुछ भी दिया गया है सब कुछ इसमें दिया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यह घोषणा की गई कि राज्य के पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय के शिक्षकों को सेवा शर्त को बेहतर बनाने के लिए शीघ्र नई सेवा शर्त नियमावली लागू की जाएगी। इसकी सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा जिसमें ये है मतलब कितना व्यय आएगा ये सब दिया गया है, लेकिन मेन इसमें जो है सो है कि कैसे कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है और कब से मिलेगा। तो राज्य सरकार की यह योजना थी कि पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष को वेतन में वर्तमान वित्तीय वर्ष से ही वृद्धि की जाए। मतलब ऐसा योजना था पहले से कि वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है इसी से इसमें वृद्धि की जाए, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण जो स्थिति अभी है, वित्तीय संकट है, इसके कारण यह तत्काल संभव नहीं हो पाया है। तो वर्तमान वेतन संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से उनको 1 अप्रैल 2021 मतलब 1 अप्रैल से अगले साल 2021 से मूल वेतन में 15% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। तो जो मूल वेतन है शिक्षकों का उसमें 15% का वृद्धि जो है वो करने का निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार कार्यरत शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष के वेतन में ईपीएफ स्कीम के साथ 20% से अधिक की वृद्धि होगी। ठीक है, तो जो अभी कार्यरत शिक्षक है वर्तमान में पुस्तकालय अध्यक्ष, तो उसमें ईपीएफ स्कीम जो है उस स्कीम के साथ ना 20% की वृद्धि होगी। ठीक है, और वर्तमान में उक्त कोटि के कार्यरत शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष की संख्या लगभग 3.5 लाख है। 1 अप्रैल 2021 से देय मूल वेतन में 15% की वृद्धि करने पर लगभग 1950 करोड़ का वार्षिक अतिरिक्त व्यय होगा। साथ ही ईपीएफ योजना को आच्छादित किए जाने की पृष्ठभूमि में कुल अतिरिक्त मतलब कितना भार पड़ेगा, ये सब तो ये हम लोगों के लिए नहीं है कि उससे मतलब हम लोगों के लिए है, बट इससे हम लोगों को मतलब नहीं है कि कितना भार पड़ेगा और क्या होगा। ठीक है, गौरतलब है कि 1 जुलाई 2015 को वेतन में 20% की वृद्धि 2015 में की गई, ये बता रहा है। फिर 2017 में 7वां वेतन आयोग जो हुआ उसके अनुसार वेतन में 17% की वृद्धि हुई, और वर्तमान में लगभग 20% से अधिक की वृद्धि पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा दी गई है वर्तमान में अभी। इस प्रकार वर्ष 2015 से लगभग अब तक 60% की वृद्धि देय वेतन में हुई है। ठीक है, तो 2015 से लेकर अब तक बताया जा रहा है कि 60% वेतन की वृद्धि टोटल जो है वो हुई है। राज्य में के पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय के शिक्षकों की सेवा शर्त को बेहतर बनाने हेतु बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा शर्त नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 बिहार पंचायती प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त नियमावली के द्वारा सेवा शर्त में जो सुधार किए गए हुए इस प्रकार, और सेवा शर्त में जो सुधार हुआ है उसमें सबसे बड़ा चीज जो है वो है ऐच्छिक स्थानांतरण। दिव्यांग शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष और महिला शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष को अंतर नियोजन मतलब अंतर जिला सहित स्थानांतरण का एक अवसर होगा। साथ ही पुरुष शिक्षक को पुस्तकालय अध्यक्ष को पारस्परिक अंतर नियोजन यानी अंतर जिला सहित स्थानांतरण का एक अवसर होगा। प्रोन्नति का अवसर जो प्रमोशन होता है उसके बारे में है, उच्च माध्यमिक शिक्षक 50% पर सीधी भर्ती से भरे जाए, मतलब जो TET वगैरह से होता है 6-8 में बहाली तो उससे भरे जाएंगे, और शेष 50% पदों को माध्यमिक शिक्षक जो अपेक्षित योग्यता एवं कालावधि पूर्ण करते हैं मतलब
जो समय सीमा पूरा कर लिए हैं कि इतना समय सीमा के बाद प्रमोशन होता है, और जो माध्यमिक शिक्षा के लिए योग्यता रखते हैं मतलब ग्रेजुएशन वगैरह किए हुए हैं, तो उनकी प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इसी प्रकार प्रधानाध्यापक के वेतन का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से करते हुए प्रधानाध्यापक का पद सृजित करते हुए इस पर माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाएगा। इसके बाद है प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में 50% पदों पर प्रोन्नति का प्रावधान एवं वेतनमान दोनों निर्धारित है। स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का प्रावधान है, परंतु प्रधानाध्यापक का वेतन मान निर्धारित नहीं है। साथ ही उक्त प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची आदि का निर्धारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत नहीं है। प्रधानाध्यापक के वेतनमान का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से करते हुए प्रारंभिक शिक्षकों के संदर्भ में प्रोन्नति हेतु निर्धारित प्रावधान को लागू करने हेतु प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किए जाएंगे। तो ठीक है, तो ये अलग से निर्गत किया जाएगा, तब पता चलेगा। और एक चीज़ क्या है, सेवा निरंतरता। जैसे आप दूसरे नियोजन इकाई में या वर्तमान नियोजन इकाई के अनुरूप आप अगर उच्च वेतनमान या उच्च कोटि के पद पर नियोजित होते हैं, नियोजन होने की स्थिति में आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा जो वर्तमान में नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि फिर से अगर आप ज्वाइन कर लेते थे 6-8 में या हाई स्कूल में तो फिर से वो हो जाता था, तो यहाँ पे उसका सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। और साथ ही सबसे बड़ी चीज़, मातृत्व अवकाश जो महिला है उनके लिए बहुत अच्छी है, अच्छी खबर है कि मातृत्व अवकाश जो पहले 135 दिन का मिलता था उसको बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। तो जो प्रथम दो संतानों के लिए, दो बच्चे के होने तक ही आपको ये मातृत्व अवकाश मिलता है, जो प्रथम दो संतान है उनके लिए जो 135 दिन ही पहले था उसको बढ़ा के 180 दिन कर दिया गया है। और साथ ही पुरुष के लिए भी है, जो वर्तमान में दे नहीं था, पितृत्व अवकाश नहीं दिया जाता था, लेकिन अब पितृत्व अवकाश भी पुस्तकालय अध्यक्ष और शिक्षकों को मिलेगा, 15 दिनों का पितृत्व अवकाश प्रथम दो संतान के लिए। ठीक है, इसके बाद अध्ययन अवकाश, एक अध्ययन अवकाश जो पढ़ाई करने के लिए आप अवकाश लेना चाहते हैं, तो वर्तमान में माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को उनकी 7 वर्ष की सेवा के उपरांत अधिकतम 3 वर्षों के लिए, अगर आप 7 साल तक अपना सेवा दे देते हैं उसके बाद अधिकतम 3 वर्षों के लिए आपको अवैतनिक अध्ययन का अवकाश मिलता था, लेकिन यह अवकाश योगदान के 3 वर्ष के न्यूनतम कालावधि पूर्ण करने के उपरांत, लेकिन यह पहले 7 वर्ष था, लेकिन अब 3 वर्ष पूरी कर लेंगे उसके बाद आपको दे होगा। और अर्जित अवकाश पूर्व से दे नहीं है, अब इस कोटि के शिक्षकों को पुस्तकालय अध्यक्ष को प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों का अर्जित अवकाश दिया जाएगा, जो अधिकतम 120 दिनों तक संचित होगा। ठीक है, इसके बाद है जो उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत नियुक्त शिक्षक का वेतन भुगतान में हो रहे विलंब को दूर करने के उद्देश्य से उनके वेतन आदि का भुगतान राज्य अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्षों के ही बजटीय शीर्ष के आगामी वित्तीय वर्ष से किया जाएगा। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के सेवा काल में मृत्यु की स्थिति में वर्तमान में आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के पद पर नियोजन का प्रावधान है। शिक्षक के पद पर नियोजन के लिए शैक्षिक अर्हता के साथ प्रशैक्षणिक अर्हता यानी BEd, DLed और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पहले ऐसे ही हो जाता था, अनुकंपा मिल जाता था, लेकिन अब अनुकंपा पे नौकरी के लिए आपको BEd, DLed और साथ ही जो मतलब शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता है, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना, वो अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकांश आश्रितों को नहीं रहने के कारण अनुकंपा के आधार पर शिक्षकों के पद पर नियोजन में कठिनाई हो रही है। इस पृष्ठभूमि में माध्यमिक शिक्षकों के में विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर पद के सृजन और इस पर शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया गया। तो अगर आपके पास BEd, DLed या शिक्षक पात्रता परीक्षा का डिग्री नहीं है तो फिर आपको विद्यालय सहायक या विद्यालय परिचारी के पद को सृजित करके उस पर आपको नौकरी दिया जाएगा, जो मतलब सेवा काल में जो इन शिक्षकों की मृत्यु हो गई है उनके लिए। ठीक है, इसके बाद है कि वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा वर्तमान में 20 जिलों में नियोजित
शिक्षकों के वेतन भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। यदि भारतीय स्टेट बैंक अन्य सभी जिलों के लिए सहमति व्यक्त करे तो शेष सभी जिलों में भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से शिक्षकों का वेतन भुगतान करने पर सहमति दी गई है। और एक और चीज़ है, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्त है, पहले से उन लगभग 4000 उनकी संख्या है, तो उसके रूप में एक वर्ष की अवधि तक अगर वो कार्य कर लेते हैं तो अभ्यर्थीगण के मेधा अंक में 5 अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। तो जो कभी नियोजन वगैरह होता है तो उसमें उनको 5 अंकों का अतिरिक्त वेटेज जो है दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होइएगा, सेवा शर्त को कैसे क्या बदलाव हुआ है, कैसे वेतन वृद्धि हुई है, कब से लागू होगा, सब कुछ आप लोग समझ गए होइएगा। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड तमाम न्यूज़ को लेकर मैं अपने चैनल पर आते रहती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।